मुश्किलों से बचना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। इसी विचार के साथ मैं दीक्षा पांडे प्रस्तुत हूँ आपके सामने आज की प्रार्थना सभा में। हमें सर्वप्रथम ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने हमें आज का यह दिन प्रदान किया है। हमें अपने नए दिन की शुरुआत नई शक्ति और नई ऊर्जा के साथ करनी चाहिए। तो आइए आज के दिन की शुरुआत हम सर्वप्रथम प्रभु की आराधना से शुरू करते हैं। प्रभु तुम
मुझे शक्ति दो, खुद पे करूं विश्वास, मेरे लिए है जमीन, मेरे लिए है आकाश, प्रभु तुम मुझे शक्ति दो। प्रतिज्ञा अर्थात दृढ़ संकल्प। प्रतिज्ञा हमारे अंदर देश प्रेम, एकता और भाईचारे की भावना विकसित करता है। तो चलिए इसी के साथ शपथ के लिए तैयार होते हैं। शपथ के लिए तैयार हो, भारत मेरा देश है, सभी भारतीय मेरे भाई बहन हैं, मैं अपने देश से प्रेम करती हूँ, मैं इसकी समृद्धि और विविध संस्कृति पर गर्व करती हूँ, मैं इसके सहयोगी अधिकारी बनने के लिए सदैव प्रश्नशील रहूंगी, मैं अपने माता पिता गुरुजनों का आदर करूंगी तथा सभी बड़ों के साथ विनम्रता का व्यवहार करूंगी, मैं अपने देश और देशवासियों की निष्ठापूर्वक सेवा करने की प्रतिज्ञा करती हूँ, उनके कल्याण और समृद्धि में ही मेरा सुख निहित है। जय हिंद। अच्छा विचार हमारे जीवन में उत्साह भर देता है, जिसकी हमारे जीवन को अति आवश्यकता होती है। सुविचार से हमारा मन सकारात्मक रहता है। हमें प्रतिदिन एक अच्छे विचार के साथ अपने दिन की शुरुआत करनी चाहिए। तो इसी के साथ आज के विचार को सुनते हैं। सुप्रभात, मैं विवेक कृष्ण सदन की ओर से आज के प्रार्थना सभा में प्रस्तुत हूँ माननीय अब्दुल कलाम जी के विचारों के साथ। तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह पर ना पहुंच जाओ, यही अद्वितीय तुम। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। मैं पुनः कहता हूँ, तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह पर ना पहुंच जाओ, यही अद्वितीय हो तुम। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो। समाचार हमें राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सामान्य ज्ञान, नए अनुसंधान, नई खोज, नई खबरों की जानकारी देता है। इसके अतिरिक्त वर्तमान समय में देश विदेश में हो रही घटनाओं की भी जानकारी देता है, इसलिए हमें खबर पढ़ना अति आवश्यक है। तो चलिए आज के समाचार को जानते हैं। सुप्रभात दोस्तों, मैं शौर आपके सामने प्रस्तुत हूँ राष्ट्रीय समाचारों के साथ। गैर भाजपा दलों के लिए भी इस बार अयोध्या अछूत नहीं, ओवैसी तक पहुंचे राहुल गांधी अभी भी दूर। यूपी में टिकट बंटवारे की पीएम नरेंद्र मोदी ने संभाली कमान, पहली बार हुए मीटिंग में शामिल। आंध्र प्रदेश डिप्टी एयरपोर्ट पर नहीं मिली एंट्री, विधायक के नारायण बेटे ने बंद कराई पानी की सप्लाई। गोगरा हॉट स्प्रिंग पर नहीं मिली, फिर से हुई भारत और चीन के बीच झड़प, 14वें दौरे पर वर्ता विफल। कोविड से बढ़ रही है मरने वालों की संख्या। रूसी मिसाइल को लेकर भारत पर प्रतिबंध नहीं लगाएगा यूएस, रिपब्लिकन पार्टी ने बाइडेन से की अपील। पीओके में 400 आतंकी घुसपैठ की फिराक में, आर्मी चीफ ने कहा हम तैयार। दोस्तों मैं शौर आपके सामने प्रस्तुत हूँ खेल समाचारों के साथ। वीजा विवाद के बावजूद डॉक्टर में शामिल हुए नोवाक जोकोविच, ग्रुप सी के शेड्यूल में हुआ बदलाव, अफगानिस्तान क्रिकेट टीम ने लिया बड़ा यह फैसला। पांचवें टेस्ट में ओपनिंग करेंगे उस्मान ख्वाजा, मार्स हैरिस की प्लेइंग 11 से की गई छुट्टी। नोवाक जोकोविच ने माना उन्होंने दी थी यात्रा में विवरण की गलत जानकारी। बांग्लादेश क्रिकेट के साथ अपने कॉन्ट्रैक्ट को आगे नहीं बढ़ाएंगे ओटिस गिब्सन, पीएसएल ने दी जानकारी। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका थर्ड टेस्ट मैच, दूसरे दिन दूसरी पारी में भारत का स्कोर 57 रन पर 2 विकेट, प्रोटीज में 70 रन की बढ़त।
विराट कोहली ने कैप्टन टेस्ट में जड़ा अनोखा शतक, सचिन द्रविड़ के क्लब में हुए शामिल। धन्यवाद और आपका दिन मंगलमय। हर दिन का अपना एक महत्व और इतिहास होता है, तो चलिए आज के दिन के इतिहास के बारे में जानते हैं। सुप्रभात, मैं राशिका सिंह आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हूँ आज के इतिहास के साथ। 1999 में बुलंद इसेविट तुर्की के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए। 2001 में अल साल्वाडोर में आए भूकंप में 234 लोग मारे गए। 2007 में नेपाल में अंतरिम संविधान स्वीकार किया गया। 2010 में ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न के समीपवर्ती क्रेनबर में नानकसर तथा गुरुद्वारे की चार दीवारी के अंदर बन रही एक इमारत आग लगा देने के कारण क्षतिग्रस्त हो गई। 2010 में मुंबई के आयकर विभाग ने स्वयं को चैरिटी संगठन बताकर अदायगी से अब तक बचने वाली भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI को व्यवसाय संगठन माना तथा कर और जुर्माने के रूप में 120 करोड़ रुपए चुकाने का आदेश दिया। धन्यवाद और आपका दिन मंगलमय हो। राष्ट्रीय गान हमारे देश और देशवासियों के प्रति सम्मान की प्रेरणा देता है। यह हमारी संस्कृति, एकता और अखंडता का प्रतीक है। तो चलिए राष्ट्रगान शुरू करते हैं।